अल्लाहब अकबर अल्लाह अकबर और क्या पता कोई चाहने वाला हो मेरा मुस्लिम तो निकार आप निकाह करने जा रही हैं नहीं नहीं जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा आना जरूर तिलक हटा दीजिए आप क्यों हटाओ मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी आपको लगता है की हरे ड्रेस का आप क्या कहना चाहते हो पाकिस्तान या मैं हिंदुस्तान की नहीं हूँ क्या कहना चाहती हूँ आप हरे रंग से मा, क्या आप मानते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई है और ये गिरे ये गिरते पे गिरते गिरते पे जा रहे हैं और अब ऐसा है और मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि जब मूवी रिलीज होगी ये चुहे के बिल में जाके छुप जाएंगे ये सारे के बिल में जाके छुप गए मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि क्यों फैंस का रिएक्शन इतना अच्छा था और हर सीन पे हूटिंग हो रही है और जब दीपिका आई उसने बेशरम रंग का सॉन्ग जब आया तो फैंस अपनी सीट पे खड़े होकर के डांस करना शुरू हो गए और तमाम वीडियोज में देखा होगा फैंस जैसे खुश हो रहे हैं खूब अपमान हुआ है अपमान कहा

क्यों इसको क्यों बोलेंगे बेशरम रंग रंग तो नहीं वो तो नहीं गाना वो है नहीं नहीं वो गाना है देखिए वो गाना है और गाने में सारे रंग मौजूद थे और आप हरा रंग कह रहे हरा रंग भी था गाने के अंदर लेकिन मैंने तो तो एक एजुअली पहना है तो आप इसको आप बेशरम ऐसे बोल देंगे नहीं वो गाना है गाने को नॉर्मल वस्त्रों से कंपेयर मत करिए मैम लोगों ने कहा कि सनातनी फिल्म को नहीं देखेगा लेकिन आप टीका लगा करके जो है भगवा बिकनी पहन के जो आप फिल्म देखने गए थे तो क्यों गए थे लोगों ने तो कहा था हम नहीं देखेंगे इसका बहिष्कार करेंगे लोगों ने नहीं कहा था ये सिर्फ तमाम न, नफरती चिंटू के जो गैंग के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था और उनकी भविष्यवाणी गलत हुई देखिए जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं जो ये ये जो आ, नफरती चिंटू है ये शाहरुख खान और उनकी तमाम टीम के लिए गड्ढा खोद रहे थे इनको ये नहीं पता था कि जब पच्चीस तारीख आएगी ये खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे और ये गिरे ये गिरते में गिरते गिरते जा रहे हैं और अब ऐसा है और मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि जब मूवी रिलीज होगी ये चूहे के बिल में जाके छुप जाएंगे ये सारे चूहे के बिल में जाके छुप गए हैं इनकी बोलती शाहरुख ने कर दी है के रहे, सिर्फ पंचर पुत्र जा रहे, पंचर के लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली मुझे सिर्फ एक टिकट मिली मैं देखने गई आज मैं दोबारा अपने पूरे परिवार के साथ देखने जाऊंगी क्योंकि लोगों के फैंस इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कि आपको सुनने में कुछ नहीं आ रहा था पिक्चर इतनी अच्छी है शाहरुख खान ने बोला कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है मैं कहती हूँ कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि पिक्चर आपको हिलने का मौका नहीं देगी अच्छा इतनी बढ़िया पिक्चर है इंटरवल में इंटरवल में आप उठेंगे भी नहीं पेप्सी पॉपकॉर्न के लिए कि आपको लगेगा कि एक मिनट की मैं पिक्चर मिस ना कर दूंगा कैसा लग रहा था शाहरुख खान के आप आप कह रहे हैं शाहरुख खान, खान का पेयरेंट्स ही शाहरुख खान का और ही अलग है उसको तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता है टिकट टिकट जो है है जहां जाओ वहीं मिल जाता आप लोग कह रहे हैं कि हर जगह हाउसफुल है हाउस है लोग जो है क्या नाम है भरा हुआ है हॉल के अंदर रहा। आप आप लोगों को जो ये नफरती चिंटू कह रहे हैं सिनेमा हॉल खाली है तो मुझे लगता है मुझे एक चीज आपको दिखा देनी चाहिए आपके चैनल के बाद ये मैंने नहीं ये फैंस ने डाला है ये अच्छा तो मैंने नहीं है, ये मैंने वीडियो नहीं।, नहीं देख रहा है वो सारे देख रहे हैं है, 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 हर सीन पे उन्होंने सीटी मारी है हर सीन पे वो डांस कर रहे हैं और मुझे लगता है सारी जगह ये वायरल भी हो गया की फैंस नाच रहे थे स्टेज पे जाकर के वो नाच रहे हैं तो कहीं क्योंकि इसमें अगर कहीं भी भावनाएं आहत होती है तो सेंसर बोर्ड कैंची चला देता बारह चली ना सेंसर बोर्ड को प्रेशर आया बीजेपी का बारह कैंची चली तो इस पे क्यों नहीं चली क्योंकि तो तो का अपमान नहीं हुआ है इसीलिए उस कैंची नहीं चली अगर अपमान होता तो कैंची चल जाती आपको डर तो नहीं लगा क्योंकि आप देख कैंसिल माथे पे तिलक लगाए हुए भगवा पहन के समर्थन करती लगा तो डर तो नहीं लगा आपको मुझे मुझे डर क्यों लगेगा देखिये मैं खुद सनातन धर्म से हूँ और मैं ये दिखाना चाहती हूँ और मैसेज मैंने पहले भी आपके वीडियो में बोला था कि कहीं भी अपमान नहीं हुआ है और देखिए मैं तिलक इसीलिए लगा करके आपके आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू

भड़काऊ गैंग के जो कुछ मेंबर हैं, अगर वो तोड़फोड़ कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि पिक्चर लोग देखने नहीं जा रहे हैं लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं क्या आप मानते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई है एक स्टार की जीत हुई है एक कलाकार की जीत हुई है पूरी फिल्म की जीत हुई है पूरे फिल्म, है, पूरे फिल्म, फिल्म के मेकर्स की जीत हुई है और ऑडियंस की जीत हुई है क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश कर दी थी डंके के चोट गए छाती पीट पीट के बोल रहे थे पिक्चर को बायकॉट करो पिक्चर को रिलीज नहीं होने देंगे पोस्टर फाड़ देंगे बहुत कुछ करा था लेकिन आज क्या हुआ फैंस ने वही फैंस ने पिक्चर को अप्रिशिएट किया जैसे मैंने कहा था फैंस शाहरुख खान को पसंद करते हैं शाहरुख खान फैंस के लिए भगवान है वो खुदा से कम नहीं है और आज फैंस ने साबित करके दिखा बता आप भगवा का अपमान करने में आप सबसे आगे रहे आज आप जो है हरे कलर का जो है ये सूट पहन कर आगे तो क्या इस्लाम धर्म कबूल करने नहीं पहले तो ये बताइए हरे रंग से आपने मुझे इस्लाम से कैसे कनेक्ट कर दिया रंग तो सारे तो भगवा का अपमान करने में आप सबसे नहीं आगे नहीं सारे कर, मैं तो मैं तो कहती हूँ सारे तो क्या आपको लगता आपका माइंड बदल चुका है मतलब क्या आपको लगता है की हरे ड्रेस का से आप क्या कहना चाहते हो मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं हिंदुस्तान की नहीं हूँ क्या कहना चाहती हो आप हरे रंग से हर एक रंग है ना उसको रंग की तरह लो मेरे आप आपने आपने, आपने नहीं, नहीं, नहीं नहीं आपने दुण तो दुण मेरा हरा रंग देख लिया